नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। आज बात करेंगे महासंग्राम का चौथा चरण। देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों में जिन 96 सीटों पर चुनाव होना है उनमें एमपी को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर बीजेपी सपा कांग्रेस के बीच हुई लड़ाई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट इस प्रकार चुने हैं जिसके चलते उसने कई सीटों पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। सबसे खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चौथे चरण की सभी 13 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया था, इसलिए बीजेपी के लिए साख का सवाल है। यहाँ का चुनाव कन्नौज में भी, अगर हम बात करें तो कन्नौज में भी चुनाव इसी चरण में होने वाला है, इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी ये साख का सवाल है। खीरी और उन्नाव में भी जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगी। यहाँ खीरी में अजय मिश्र टेनी और उन्नाव में साक्षी महाराज की किस्मत का फैसला होना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर शनिवार शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। यहाँ भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मालवा निमाड़ अंचल में डेरा डाले हुए हैं। पिछले दिनों इस अंचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार और खरगोन को, तो राहुल गांधी ने रतलाम और खरगोन में सभा की है। क्या है इन चुनाव में तैयारियों का हाल, जानते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। लोकसभा चुनाव में 3 चरणों की वोटिंग हो गई है। अब चौथे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। चौथे चरण की वोटिंग के साथ आंध्र प्रदेश में आम चुनाव खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी चुनाव खत्म हो जाएगा। चौथे चरण के बाद कुल 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनाव की वोटिंग खत्म हो जाएगी। चौथे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर नजर रहेगी उनमें तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, करीमनगर से बंदी संजय कुमार, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कन्नौज से सपा के अखिलेश यादव, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मुंगेर से जदयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, आंध्र प्रदेश के कडपा से YS शर्मिला, झारखंड के खूंटी से अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान का नाम शामिल है। कुल 543 सीटों पर आम चुनाव में वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। तीसरे चरण तक 283 सीटों पर मतदान हो गया है। चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इस प्रकार 13 मई तक कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा, यानी बाकी 3 चरणों में 164 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में ताकत झोंक रखी है बीजेपी ने, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर पूर्वांचल में भी दम भर रही है बीजेपी। और इसलिए 13 सीटें जिन पर खुद इस चरण में अखिलेश यादव मैदान में हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और ना केवल वो, साक्षी महाराज की सीट पर भी नज़र है और टेनी की सीट पर भी नज़र है। कई सीटें हैं जो जातीय समीकरण के आधार पर भी देखी जा रही हैं। अमूमन उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर यही हाल होता है, लेकिन प्रत्याशियों पर भी नजर है। चलिए, हमारे साथ बहराइच से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। बहराइच में क्योंकि चुनाव है और हम देखें तो काफ़ी हद तक स्थितियाँ बीजेपी अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। प्रचार प्रसार हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकत झोंकी, प्रियंका गांधी भी जुटी हुई है मैदान में,
राज्य के अलग अलग कोनों में प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन चौथे चरण में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या हाल है चुनावी समय में, क्योंकि वोट 13 तारीख को पड़ेंगे, लेकिन अभी से चुनावी जो दल है, राजनीतिक दल, उनकी तैयारियां चल रही है, चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही है, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल पारुल, आपको बताते हैं बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो सभाएं हुई हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहराइच में रोड शो करने वाले हैं। ऐसे में बहराइच का मौसम भी कहीं ना कहीं बिगड़ गया है, मौसम खुशनुमा हो गया है, मौसम बादल छाए हुए हैं। उसी को देखते हुए प्रचार करने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, गठबंधन की सरकार हो, या भाजपा हो, या निर्दलीय प्रत्याशी, पूरी ताकत आज 5 बजे तक झोंकने में सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं। अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को लुभाने के लिए सारे प्रत्याशी जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुर्सी हथियाई जाए। बिल्कुल, अगर हम जंग देखें तो डॉक्टर आनंद गौंड और उसके अलावा बसपा से ब्रजेश सोनकर और विधायक, पूर्व विधायक रहे रमेश गौतम समाजवादी पार्टी से, इन तमाम तीन ऐसे नाम हैं जिनके बीच लड़ाई है। लेकिन वहीं हम ये देखें वहां का जातीय समीकरण, जहां पर मुस्लिम, यादव के अलावा अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के मतदाता भी हैं, जिनमें सेंध लगाने के दोनों दल कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दल जो अपने प्रयास कर रहे हैं, उनमें मजबूत किन के प्रयास नजर आ रहे हैं धरातल पर, और चुनावी मुद्दे कौन से जो यहाँ की जनता के जहन में होंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भाजपा के जो सांसद थे, सांसद जो प्रत्याशी, उनके पिताजी यहाँ सांसद थे। अगर बात की जाए जातीय आक्रमण के, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो, क्योंकि अयोध्या काफी करीब है, राम मंदिर का मुद्दा और जो सरकार द्वारा जो राशन वितरण का जो सरकार की जो योजनाएं थी, वह गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, वो बड़े पैमाने पर ये मुद्दे हैं। और विपक्ष अपनी बातें कह रहा है कि अगर मैं सरकार में आता हूं तो सरकार यहां बहराइच में बड़े बड़े उद्योग लेंगे और गरीबों को बड़े पैमाने पर जो है यहां फैक्ट्रियों में उनको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, तो रोजगार का मुद्दा भी है, लेकिन ये क्या इस सीट पर एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तमाम मुद्दे जिसमें खासतौर पर पाकिस्तान की भी एंट्री हुई, उसके बाद अडानी अंबानी की भी एंट्री हुई, और कांग्रेस जो अपने मुद्दों पर चल रही है, जिसमें उसने आरक्षण और इसके अलावा और भी कई मुद्दों को जगह दी है, ये सारे मुद्दे क्योंकि देश के मुद्दे होते हैं जो लोकसभा चुनाव में देखे जाते हैं, खासतौर पर जनता के जहन में होते हैं, तो इन मुद्दों को लेकर क्या जनता अपना वोट कास्ट करेगी आपको लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का जो है कल कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से जो देश के जो जो नेता थे, राष्ट्रनायक थे, उनका नाम लेकर साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रपुरुषों का सम्मान करती है, विपक्ष वही राष्ट्रपुरुषों का अपमान कर रही थी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनवाकर भारतीय जनता पार्टी बार बार उसे बनाने का काम कर रही है। चलिए लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी बने हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी लेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह से प्रयास हो रहे हैं। देवास लिए चलते हैं आपको, मध्य प्रदेश के देवास, जहां से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपके क्षेत्र में चुनावी हलचल किस तरह की देख रहे हैं और कितना टफ देख रहे हैं आप ये फाइट, क्योंकि हम देख रहे हैं मालवा निमाण में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी और चौथे चरण के मतदान में अब ये देखना होगा कि मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए दल क्या कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो निराश करने वाली खबर है वो है मत प्रतिशत जो बढ़ नहीं रहा है। संजय जी, पर हम आपको बता दें कि अभी दोनों ही दलों ने पूरी ताकत अपने चुनाव में झोंक रखी है, और अभी देखा जाए तो एमएसपी का बड़ा मुद्दा है हमारे देवास लोकसभा क्षेत्र में। किसानों का एक मुद्दा है एमएसपी, जो कि अनाजों के इस पे लगाई जाती है, परंतु एमएसपी से कम भाव पर यहाँ पर अनाज विक्रय हो रहा है, ये मुद्दा है। एक दूसरा मुद्दा है इंडस्ट्रीज एरिए का, जहाँ पे कई इंडस्ट्रिया बंद हो चुकी है, उसको भी चालू करवाने के बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। कहा जा रहा है इस बार के कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इंडस्ट्रीज में और भी बढ़ावा देंगे, यानी इंडस्ट्रीज का मुद्दा ये तो, लेकिन लोकल मुद्दे हो गए ना, क्या देश के तमाम मुद्दे जो इस वक्त चुनावी चर्चाओं में है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में महिलाओं का मुद्दा इस वक्त जोर शोर से उठाया जा रहा है, जिसमें जीतू पटवारी का बयान हो, हाल ही में कांतिलाल भूरिया का बयान हो, क्या इसका कोई असर दिख रहा है? और योजनाएं जिसको बुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, अभी हाल ही में खुद मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि
हम जो वादा किया वो निभा रहे हैं और चौथी किश्त भी जारी हुई, उसके बाद जो महिलाओं के खाते में जानी थी, जिसके बाद 2 लाख वाला मुद्दा या 1 लाख जो महिलाओं को देने वाली बात है, कांतिलाल का बयान जिस पे मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, उनके उनका कोई असर दिख रहा है आपको? जो देश के मुद्दे हैं उनका कोई असर दिख रहा है आपको यहाँ पर? जी बिल्कुल फारूक, राम मंदिर का मुद्दा भी एक देश का मुद्दा है और वो भी यहाँ कहीं बड़ी चर्चा में है। इस मुद्दे को लेकर भी बीजेपी अपना ये पूरा प्रयास कर रही है इस मुद्दे को बनाने के लिए। और देवास में देखा जाए तो अभी मुख्यमंत्री ने भी सभा की है, रोड शो भी किया है, बीजेपी पूरी तरह से लगी हुई है कि जैसे भी प्रत्याशियों को जिताया जाए। और उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से देवास से राजेंद्र मालवी यहाँ पर चुनाव मैदान में है, इनके लिए भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देवास लोकसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं कांग्रेस की विजय की ओर। मुकाबला जिन प्रत्याशियों में है, क्या उनका वजन है चुनाव में या फिर बड़े नेताओं के बयान और उनके भाषणों पर वोट पड़ेंगे? और जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसके अलावा वोटर्स को निकालने के लिए कोई और प्रयास हो रहे हैं कार्यकर्ताओं के, नेताओं के? जी मतदान को लेकर जैसे सब जगह वोट प्रतिशत कम गिरा है तो वैसे शासन की ओर से मतदान अधिक से अधिक हो इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस की तरह से भी जागरूक किया जा रहा है मतदाताओं के अधिक से अधिक मतदान हो सके चुनाव में। बिल्कुल, अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास अभी तक के 3 जो चरण हुए उसमें तो इतने ज्यादा कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए, कोई करिश्मा नहीं कर पाए, क्योंकि वोट प्रतिशत तमाम राज्यों में कम ही आया है। ये बढ़ना चाहिए था, ये उत्साहजनक होना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ नहीं दिखा। अब हम देखें कि मध्य प्रदेश में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने दमदार होते हैं, ये चौथे चरण के जो वोट परसेंट है उसमें भी नजर आएगा। हालांकि ये भी खबर सामने आई थी कि विधायकों को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया, तैनात कर दिया गया है कि विधायक भी अपने क्षेत्र से लोगों को निकाल कर लेकर आए, लेकिन अब इस बार यह भी कहा गया था कि खबरें निकल कर आई थी कि अमित शाह साहब ने कहा है वरना विधायकों को या मिनिस्टर्स जो हैं उनको बिठा दिया जाएगा, यानी उनका कहीं ना कहीं उनको डिमोशन का सामना करना पड़ सकता है। मैं लौट रही हूं आपके पास, उन्नाव लिए चलते हैं, आपको उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। उन्नाव से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, यहां पर भी चौथे चरण में वोट पड़ने हैं, वोट कास्ट होना है और उन्नाव में भी नजर लोगों की है। चूंकि साफ तौर पर हम देखें उत्तर प्रदेश में कई मुद्दे हैं, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्नाव की तरफ भी जाऊंगी। देखिए कड़ा मुकाबला यहां पर भी देखा जाएगा और खासतौर पर नजर इसलिए भी क्योंकि साक्षी महाराज यहां से मैदान में हैं और अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी से यहां पर जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं और वहीं बसपा से अशोक पांडे मैदान में हैं। देखिए बसपा से अशोक पांडे पर दाव लगाया है बीएसपी ने, चलिए झाबुआ लिए चलते हैं, आपको हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, झाबुआ में भी कोशिशें हो रही हैं और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया क्योंकि झाबुआ की हम बात करें तो झाबुआ से आते हैं कांतिलाल भूरिया और यहां पर जिस तरह के फैक्टर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, तमाम बड़े मुद्दे हैं लेकिन जो हाल ही में बयान निकलकर सामने आया है उसने क्या कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी की है? चौथे चरण का चुनाव 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, क्या माहौल झाबुआ में आप देख रहे हैं दशरथ? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं, झाबुआ की अगर बात करें झाबुआ के बाहुल्य जिला है, काजीगंज जिला है झाबुआ, रतलाम, बलराजपुर क्षेत्र जो की संस्कृति क्षेत्र और बाहुल्य सीट है, यहाँ पर 12 उम्मीदवार मैदान में भी खड़े हुए जिसके अंदर भाजपा और कांग्रेस और यही अगर पीसी अगर बात करें तो बाप पार्टी का जो उम्मीदवार है जो बाप पार्टी भी यहाँ पर मैदान में है और बाप पार्टी से पलसुजी गामड़ अब भी मैदान में खड़े हैं जो कि चुनौती दे रहे हैं। वहीं अगर कांतिलाल भूरे की बात करें, कांतिलाल भूरे दिग्गज नेता है आगे आदिवासी के और वो सबसे पुराने यहाँ पे तो कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं उनका मुकाबला यहाँ पर जो नागर सिंह चौहान है जो कि वन मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनकी जो पत्नी अनिता नागर सिंह चौहान मैदान में दिख रही। यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही नेताओं का जो जो कांतिलाल भूरिया के जो पुत्र है विक्रांत भूरिया कहीं ना कहीं यहाँ पर आक्रमक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दोनों का तीखा वार, एक दोनों तीखा हमला का दौर शुरू है। जी बिल्कुल, तीखे हमले तीखे प्रहार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम सब साथ हैं और फिर जीतू पटवारी खुद भी पत्रकार बनकर उमंग सिंगार का इंटरव्यू लेते हुए नजर आते हैं और ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। क्या ये माना जाए,
कि झाबुआ में खासतौर पर जो माहौल बन रहा है, क्योंकि आदिवासी वोटर्स बहुत ज्यादा बहुतायत में हैं और आदिवासियों पर पकड़ बनाने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की है, लेकिन झाबुआ में क्या, क्योंकि देश का मुद्दा है, कई सारे ऐसे मुद्दे जो देश के हैं वहां पर भी लोगों के जहन में होंगे, तो क्या वोटर्स उन मुद्दों को लेकर बाहर निकलेंगे, प्रत्याशी के चेहरे को लेकर बाहर निकलेंगे, क्या लगता है आपको वोट परसेंट बढ़ाने के प्रयास जो हो रहे हैं वो कितने कामयाब साबित होने वाले हैं इस चौथे फेज में? जी बिल्कुल, जो चौथा चरण का जो मतदान है, जो 13 तारीख को संपन्न होना है, 10 तारीख को मतदान है, एक जो बाहुल्य जिला है, यहाँ पर जो अगर मुद्दे के बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा अगर निकल के आता है क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, प्लस यहाँ पर जो रोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का माना जाता है, क्योंकि पलायन का मुद्दा है कि झापा जिले पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के जा रहा है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ जा रहा है कि पलायन का मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ पर हावी दिखाई दे रहा है। वोटर जरूर कहना है कि रोजगार नहीं है हमारे पास, इसलिए प्लान करना पड़ा, प्लान के लिए इनको गुजरात जाना पड़ रहा है, राजस्थान जाना पड़ रहा है, वहां इनको मजदूरी अच्छी राशि मिलती है, ये अपना घर परिवार छोड़ के ना जो गुजरात मजदूरी कर जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं इनको देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा है जो प्लान का मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि अनीता नागर चुनावी मैदान में हैं और कांतिलाल भूरिया उनसे फाइट कर रहे हैं, और दूसरा उन्हीं का बयान जिसको हम देख रहे हैं कि पूरे शिद्दत से बुलाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, जिसमें उन्होंने मंच से कहा था कि 1 लाख रुपए कांग्रेस सभी को देगी और जिनके जिनकी 2 बीवियां हैं उन्हें भी कांग्रेस देगी और 2 लाख रुपए देगी, तो इसको लेकर काफी ट्रोल हुए कांतिलाल भूरिया, सीधे तौर पर महिला के आत्मसम्मान से और ध्रुवीकरण से इसे जोड़कर देखा गया, क्या इसके बाद किसी तरह की कोई परेशानी, क्योंकि एक तरफ महिला है उनके सामने नारी शक्ति और दूसरी तरफ उनके बयान, तो कनेक्ट किया है बीजेपी ने इस पूरे समय पर माहौल में बुनाने के लिए, तो इस क्या पूरी लोकसभा सीट पर इसका असर देखा जाएगा संसदीय क्षेत्र में? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि महिलाओं को यहाँ पर मोदी जी ने कितनी समर्थन दिया है, तो महिला कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि महिला है यहाँ का जो प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी जो अनीता नागर सिंह चौहान, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा यहाँ पर इस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। जो कांतिलाल भूरिया का बयान सामने आया है कि एक घर में जो 2 महिला है, 2 पत्नी है, उनको 1-1 लाख रुपए कांग्रेस सरकार देगी, वो मुद्दा बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बीजेपी इसको उठाने पीछे नहीं हट रही है। जी ठीक है, उत्तर प्रदेश की तरफ मैं रुक कर रही हूँ, उन्नाव से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद आमिर क्या बताएंगे, साक्षी महाराज वर्सेस अन्नू टंडन वर्सेस अशोक पांडे, तीनों के बीच फाइट देखी जा रही है, ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है बसपा ने, लेकिन फाइट सीधे तौर पर साक्षी महाराज और अन्नू टंडन, और साक्षी महाराज क्योंकि खुद भी एक बड़ा चेहरा है, भाजपा ने तीसरी बार इन्हें उम्मीदवार बनाया है, फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के, क्या माना जा, कुछ आरोप प्रत्यारोप तो इनके ऊपर भी है जिसको लेकर माहौल वहां पर कुछ परेशान कर सकता है साक्षी महाराज को, क्या देख रहे हैं इस वक्त हवा उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट पर और मत प्रतिशत बढ़ाने के जो प्रयास हैं, क्या माहौल बन रहा है जनता के जहन में, क्या मुद्दे आमिर? जी पारुल जी, अगर उन्नाव की हम बात करें तो ये क्षेत्रफल से लेकर बड़ा जिला माना जाता है, और अगर मतदाताओं की बात करें तो लगभग 23 लाख के ऊपर मतदाता यहाँ पर है, और इसी क्रम में जब पार्टियों की बात होती है तो यहाँ पे कांग्रेस से पहले सांसद रही अन्नू टंडन, जो मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनका ट्रस्ट को लेके और क्षेत्र में एक छवि जो उस तरीके की बनी है सेवक के रूप में, तो उससे उनको काफी फायदा मिल रहा है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से फायर ब्रांड नेता लगातार अपने भाषणों को लेकर चर्चा में रहते हैं साक्षी महाराज जी। साक्षी महाराज जी लगातार क्षेत्र में इस बार दौरे पे हैं, जनसभाएं करा रहे हैं, और आज भी अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिन 6 तारीख को लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव का दौरा किया था, भगवत नगर विधानसभा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, और आज भी उन्नाव के रामलीला मैदान में सदर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी की एक जनसभा लगी हुई है, आज वो जनसभा को संबोधित करने अभी 1 बजे के समय उन्नाव पहुंचेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक रैली अभी की है, इस तरीके से बड़े नेताओं का लगातार डेरा उन्नाव में बना हुआ है, चुनाव जो देखा जा रहा है लगातार कांटे की टक्कर यहाँ पे देखी जा रही है। बिल्कुल, कांटे की टक्कर तो होगी ही, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिस पर सबकी नजरें हैं, कहा जाता है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश को अगर आपने फतेह किया, कहा ज्यादा से ज्यादा सीटें आपने जीती तो सीधी चाबी दिल्ली की मिलती है, लेकिन यहां पर रण काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है, कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ उन्नाव में भी त्रिकोणीय मुकाबला हम देख रहे हैं, क्या ब्राह्मण फैक्टर बीएसपी के प्रत्याशी के पक्ष में दिखाई दे रहा है आपको, कोई हवा बन रही है बीएसपी के प्रत्याशी के पक्ष में आमिर?
नहीं पारुल जी, जिस तरीके से जातिगत आधार पर अगर कहा जाए तो इस बार उन्नाव का चुनाव जो है मतदाता बड़ा जागरूक दिखाई दे रहा है जी। जातिगत आधार पर वोट करने को नहीं तैयार है। आज जब जातिगत आधार की बात करी जाती है तो जब सबसे ज्यादा जो है जो साक्षी महाराज जो है उनका वोट बैंक माना जाता था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने आमिर, के जातियों से धर्म से उठकर लोग अपने लिए चुनाव या अपने लिए चुन रहे हैं अपने कैंडिडेट को, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि तमाम वो मुद्दे, क्योंकि ऑल ओवर हम देखते हैं कि धर्म के मुद्दे या फिर जाति का मुद्दा जिसको लेकर प्रचार प्रसार में इन मुद्दों को उठाया जाता है और फिर दूसरा दल भी उसी पिच पर आकर काम करने लगता है, और शायद यही वजह है कि वोटर बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वोटर ने मन बना लिया है शायद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो जाति और धर्म पर नहीं जा रहा है इस बार। छोटा सा कॉमेंट कीजिए जी। जातिगत आधार से यहाँ पर चुनाव और इस वजह से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अरुण टंडन जिस समाज से आती है उसका वोट यहाँ पे नाम मात्र वोट पाया जाता है, लेकिन जब भी वो चुनाव लड़ रही हैं तो उनको एक अच्छा वोट मार्जिन यहाँ से मिलता है। और इस बार जब बात कही जाती है तो किसी कोई भी प्रत्याशी जब क्षेत्र में जा रहा है तो लोग उससे काम की और विकास की और अपनी समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं, और जब नेता वहां तक पहुंचता है तो उसको समस्याओं को लगातार जनता उठा रही है, उसकी समस्या का निर्धारण के लिए बात कर रही है। ठीक 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 ठीक, लौटूंगी आपके पास लौटूंगी। वापस हम देवास ही चल रहे हैं। देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी साहब राजेंद्र मालवीय, क्या माना जाए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये, और खासतौर पर हम संजय हम देखें तो देवास में और आसपास के क्षेत्रों में भी, क्योंकि पूरा का पूरा ये मालवा निर्माण है जिस पर नजर रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, और मालवा में मजबूत दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का सीधा दखल होता है, एक बार सीधे तौर पर पावर सेंटर हम देखते हैं मालवा निर्माण को भी, लेकिन क्या ये माना जाए कि जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं जो तमाम मुद्दे हैं वो एक एक सीट के लिए हैं या जो मुद्दे हैं मालवा में कनेक्ट करते हैं? जी परवर हम बताते हैं, ये सीट एक है तो महत्वपूर्ण और बीजेपी का गढ़ भी मानी जाती है ये, क्योंकि पिछले साली 2009 में सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस से चुनाव जीते थे, उसके बाद में वापस से बीजेपी ने इस सीट को अपने कब्जे में लिया था। 2019 में महेंद्र सिंह सोलंकी जी जो मजिस्ट्रेट थे जो अपने जज की कुर्सी से इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी से उन्होंने टिकट प्राप्त किया और वो विजय हुए। इस बार भी पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास जताया है और उन्हीं को चुनाव मैदान में भी उतारा है, परंतु देखा जाए तो अभी जो राष्ट्रीय हित के और राष्ट्रीय मुद्दे जो चल रहे हैं जैसे राम मंदिर है, धारा 370 है और भी अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राजेंद्र मालवीय भी इंदौर से आते हैं और महेंद्र सिंह सोलंकी भी इंदौर से ही आते हैं, क्योंकि बाहर भारी प्रत्याशी है दोनों ही पार्टी के, देखा जाए तो दोनों ही कड़े मुकाबला कैंडिडेट कहा जा सकता है इनको, लेकिन क्योंकि आसपास की सारी सीटें हैं धार, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ये आसपास की सारी सीटें हैं, यहाँ पर अब क्या चमत्कार होता है, मेन तो वोट परसेंट है, वोटर निकले घर से अपनी सरकार चुनने के लिए, अपने सांसद को चुनने के लिए, तब बाकी समीकरण उसके बाद समझने होंगे कि कहाँ किस तरह वोटर का रुख रहा, किन मुद्दों को लेकर वोटर आगे बढ़ा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं कि कम वोट परसेंट हुआ यानी कोई उत्साह नहीं है बीजेपी को लेकर, कांग्रेस का कहना है कि सारे हमारे वोटर निकले हैं वोट करने के लिए, बीजेपी का कहना है सारे हमारे वोटर निकले हैं, तो ये तो खैर 4 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश पर हम देख रहे थे, नजर बनाए हुए थे कि क्या कुछ चुनावी तैयारियां चल रही हैं और कितना दमखम जो लगा रहे हैं ये तमाम नेता उन प्रत्याशियों के लिए जिनकी किस्मत 13 तारीख को मतपेटियों में कैद होगी, ईवीएम में कैद होगी, या आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर 13 तारीख का दिन बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि अलग अलग सीटों पर चुनाव होंगे और काफी हाई प्रोफाइल सीटें इस चौथे चरण में देखी जाएंगी 13 मई को। देखना होगा चुनाव आयोग की तमाम तैयारियां हैं, तमाम कैंपेन्स किए जा रहे हैं ताकि वोटर जागरूक हो, वोटर घर से बाहर निकले, कई जगहों पर वोटर ज्यादा जागरूक है, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट कास्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये सारी चीजें 4 तारीख को समझ आएंगी कि वोटर ने किसे चुना, जाति को चुना, उम्मीदवार की जाति देखी, उम्मीदवार का चेहरा देखा या सिंबल देखा जिस सिंबल पर वो वोट लड़ रहा है, ये तमाम समीकरण होंगे जिस पर तमाम चर्चाएं होंगी। लेकिन 13 तारीख का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, सारे काम बाद में कीजिएगा, 13 तारीख को सबसे पहले मुहूर्त निकालिएगा कि सुबह सुबह जाकर आपको वोट कास्ट करना है अगर आपके क्षेत्र में मत पड़ रहे हैं तो। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।